तो कैसे आप लोग लोग सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आ चुका हूँ एक और नए एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के सेटअप पे न्यू क्रिसमस सॉन्ग के ऊपर बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। इस टाइप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। आप लोगों को पहले प्रयोग दिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी नहीं हो, पहली बार आया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो एक लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो। लाइक और डिसलाइक में से एक बटन जरूर से दबा कर जाए। नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रयोग दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रयोग कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। Bird machine. Check. सो गाइस, स्टेप बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो जो मटेरियल यूज़ किया सॉन्ग बीट में पर, जैसे कि फिर सेट HD मॉडल इमेज ब्लैक स्क्रीन वीडियो विदाउट पॉसिबल के मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को ऑल मटेरियल्स डाउनलोड कर लेना है। और गाइस, आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। चले गाइस, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आप लोगों को मेरे वेबसाइट से सॉन्ग बीट में बजट एंड सेकी फीट प्रीसेट अपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों को पहले सॉन्ग बीट में बजट ओपन करना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सॉन्ग बीट में बजट पर मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। सो गाइस, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस से कम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके आप किस वीडियो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो आप लोगों को सिंपली सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद गाइज, अब आपको रीडर सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिल कंपोजिशन एरर पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे बीट तक की मॉडल इमेज को रखना है, एक्स्ट्रा पार्ट रेम करना है। इसके बाद में बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से प्लस से कम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज विंडो पर क्लिक करके सेकेंड मॉडल इमेज ऐड करना है। इसके बाद आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट में बजट पर सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइज, अब आपको मैं वेबसाइट पे जो शेक फिट प्रीसेट प्रोवाइड किया था उस शेक फिट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करके ओपन करना है। सेकंड फिट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। फर्स्ट मॉडल इमेज पर क्लिक करने के बाद अब आपको इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में थ्री डेज ऑप्शन पर कॉपी फेड करना है। कॉपी फेड करने के बाद आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बीट में प्रीसेट ओपन करना है। सॉन्ग बीट में प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज, अब आपको नीचे यहाँ पर फर्स्ट मॉडल इमेज पर आना है। फर्स्ट मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज, अब आपको फर्स्ट मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डेज ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज, आप लोगों को स्टार्टिंग ए पांच मॉडल इमेज पर ये फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज, आप लोगों को इसी टाइप ये स्टार्टिंग फाइव बड़े ड्यूरेशन फोटो पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फाइव मॉडल इमेज पर मैंने फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। इसके बाद में गाइज, अब आपको नेक्स्ट मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को फिर से बैक करना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एफेट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डेज ऑप्शन पर कॉपी फेड करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग फाइव मॉडल इमेज पर हमने फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई किया था। गाइज, अब आपको थोड़ा सा आगे आना, थोड़ा सा आगे आने के बाद अब आपको 9.24 सेकंड पर आना है। आने के बाद गाइज, यहाँ पर आप लोगों को तीन मॉडल इमेज गैप देना है। गैप देने के बाद अब आपको नेक्स्ट मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डेज ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज, आप लोगों को इसी टाइप
तीन मॉडल इमेज अब आपको फिर से गैप देने, गैप देने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट में अपोजिट पर तीन मॉडल इमेज गैप देने, गैप देने के बाद नेक्स्ट मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको फिर से तीन मॉडल इमेज गैप देने, गैप देने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस यहां पर आप लोगों को ये बड़े ड्यूरेशन फोटो पर इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये तीनों मॉडल इमेज छोटे ड्यूरेशन है, ये तीनों मॉडल इमेज से बड़े ड्यूरेशन है। अब आपको इसी टाइप इन तीनों मॉडल इमेज गैप देने, गैप देने के बाद इस बड़े ड्यूरेशन फोटो पर आप लोगों को सिंपली सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। आप लोगों को इसी टाइप सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट खत्म होने तक सारे मॉडल इमेज पर इसी टाइप सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो तीन मॉडल इमेज गैप देके इसी टाइप मैंने सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप तीन मॉडल इमेज गैप देने, गैप देने के बाद नेक्स्ट मॉडल इमेज पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस इसके बाद में अब आपको थर्ड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थर्ड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर क्रॉप इफेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बीट में प्रीसेट ओपन करना है। साउंड बीट में प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको 9.24 सेकंड पर आने, 9.24 सेकंड पर आने के बाद गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग तीन छोटे ड्यूरेशन फोटो हमने गैप दिया था। अब आपको इन गैप दिए सो मॉडल इमेज पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर आप लोगों को थर्ड इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस नेक्स्ट मॉडल इमेज पर देख सकते हो यहां पर हमने सेकंड इफेक्ट अप्लाई किया था। अब यहां पर हमने तीन मॉडल इमेज गैप दिया था। अब आपको फिर से इन तीनों मॉडल इमेज पर थर्ड इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर आप लोगों को थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज मैंने किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आने, स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइज अब आपको पूरे स्टार्टिंग पर आने, स्टार्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर प्लस अकाउंट पर क्लिक कर लेने, क्लिक करने के बाद इमेज विंडो पर क्लिक करके आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन विंडो ऐड कर लेना। ये ब्लैक स्क्रीन विंडो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को सिंपली डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। ब्लैक स्क्रीन विंडो ऐड करने के बाद गाइज अब आपको थ्री डी ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करने, इसके बाद में म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करने, म्यूजिक आप लोगों को पूरा म्यूट करने, म्यूट करने के बाद बैक करने, बैक करने के ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी ऑप्शन पर क्लिक कर लेने, क्लिक करने के बाद लाइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद में बैक करने, बैक करने के बाद इस ब्लैक स्क्रीन को हमारे सॉन्ग बीट में अपोजिट तक ही रखने। अब आपको पूरे लास्ट पर आने, लास्ट पर आने के बाद हमारे सॉन्ग बीट में अपोजिट तक ही रखने, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेन कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस सॉन्ग बीट में अपोजिट हमारे सॉन्ग बीट में अपोजिट तक ही ऐड कर चुका हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। सो गाइस अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, एक्सपोर्ट ऑसिलेशन में 1080p रख लेने, फ्रेम रेट आप लोगों को फुल रख लेने, क्वालिटी एकदम हाई रख लेने, इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज के वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।